लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो मोदी के ऊपर इतना ट्रस्ट आवाम का हो गया है कि वहाँ पर भर रही है रेमिटेंस, और दुनिया में सबसे ज्यादा इस टाइम सबसे ज्यादा इंडिया की रेमिटेंस हुई इंडियन ओवरसीज की तरफ से, कि 2022 में उन्होंने 100 बिलियन डॉलर इंडिया में भेजे हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। 100 अरब को वो टच करने जा रहे हैं उनकी रेमिटेंसेस। 100 अरब इज मोर देन थर्ड ऑफ आवर इकोनॉमी, हमारा तीसरा हिस्सा जो इकोनॉमी का है उससे ज्यादा उनकी रेमिटेंसेस आ रही है। सिर्फ हम अकेले इससे काम नहीं कर रहे, रेमिटेंसेस पे हमारी इकोनॉमी नहीं चल रही। ऑफकोर्स रेमिटेंसेस 100 बिलियन बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत सारे कंट्रीज की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है जितना हमारा रेमिटेंस है, बट इंडियन ने इंडिया के लिए 100 बिलियन डॉलर 2022 में भेजा है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। इससे पहले दुनिया की किसी भी कंट्री में इतनी बड़ी तादाद में रकम ओवरसीज की तरफ से नहीं भेजी। 100 अरब को वो टच करने जा रहे हैं उनकी रेमिटेंसेस। 100 अरब इज मोर देन थर्ड ऑफ आवर इकोनॉमी, हमारा तीसरा हिस्सा जो इकोनॉमी का है उससे ज्यादा उनकी रेमिटेंसेस आ रही हैं। अगर मैं इंडिया के बारे में बताऊं तो आप हैरान होंगे गाइस, जो पैसा बाहर से आता है ना वो अंदर की वजह से आता है, जो मुल्क के अंदर उन्हीं हालात होते हैं ना उस वजह से बाहर के लोग ट्रस्ट करते हैं। दोस्तों, हाल ही में आए वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया गया है कि इंडिया को पहली बार 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का रेमिटेंसेज मिलने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वो पैसा होता है जो भारत के लोग विदेशों में रह के कमाते हैं और अपना कमाए हुए पैसा भारत भेजते हैं। आज से पहले 100 बिलियन यूएस डॉलर के करीब किसी भी देश का आंकड़ा नहीं पहुंचा था। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसका आंकड़ा 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचा है। इससे पहले भारत का जो रेमिटेंसेज था वो करीब 88 बिलियन यूएस डॉलर का था, जो अब हाल ही में आए रिपोर्ट्स के अनुसार 100 बिलियन यूएस डॉलर के पार पहुंच गया है। भारत के बाद दूसरे नंबर पर मैक्सिको आता है जिसका आंकड़ा 60 बिलियन ही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि भारत और मैक्सिको के बीच में कितना बड़ा गैप, जबकि मैक्सिको का बॉर्डर यूएस से लगा हुआ है जिसके कारण वहां के पब्लिक यूएस से रुपया भेजते हैं। दोस्तों, इंडिया का जितना रेमिटेंसेज का रुपया है वो पाकिस्तान के टोटल इकोनॉमी से 3 गुना ज्यादा है। इंडियन ओवरसीज ने अपने कंट्री के लिए रीजन ये है कि जो पैसा बाहर से आता है ना वो अंदर की वजह से आता है, जो मुल्क के अंदर उन्हीं हालात होते हैं ना उस वजह से बाहर के लोग ट्रस्ट करते हैं। अगर मेरे भाई ने किसी ने प्लाट लिया है वो उसमें उसे नुकसान हो गया तो मैं क्यों लूंगा वो प्लाट? तो वो उनका जो वजीर आजम है वो उनकी दिल की धड़कन है। हम मुसलमान जो प्राइम मिनिस्टर जी, उनके जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी है, वो उनकी दिल की धड़कन है। यानी कि वो जो जिस बेस पे वो चलते हैं ना उसकी वो नुमाइंदगी कर रहा है, वो उसके लिए काम कर रहा है, वो दिखा रहा है। तो जो सबसे बड़ी बात है उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। जब ओवरसीज पाकिस्तानियों को आप इतना मायूस करेंगे तो आपका जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान को पैसा भेजते हैं उसके अंदर जो कमी आई है अभी हालिया, वो 927 मिलियन यूएस डॉलर्स है। यानी वो इतने मायूस हो गए पाकिस्तान से कि पाकिस्तान में पैसा भेजना उन्होंने कम कर दिया है, और सरमायाकारी पाकिस्तान में वैसे ही वो कॉन्फिडेंस आधा रह गया है। ये पाकिस्तान के साथ हुआ है गुज़िश्ता 7 महीनों में, और भी बहुत कुछ हुआ है उस पर एक अलग प्रोग्राम। 100 अरब को वो टच करने जा रहे हैं उनकी रिमिटेंसेस। 100 अरब इज मोर देन थर्ड ऑफ आवर इकोनॉमी, हमारा तीसरा हिस्सा जो इकोनॉमी का है उससे ज्यादा उनकी रिमिटेंसेस आ रही हैं। हम एक ही जगह पे रहते हैं, ये इतने नलायक हमारे रूलर्स क्यों रहे हैं? सब नहीं, बदकिस्मती है, करप्शन। करप्शन से कौन रोक सकता है? भारत बेबी, वो तो हमारे खून में है। पाकिस्तान में जो लोग आए लूटने के लिए आए उन्होंने पाकिस्तान की कौन? ये देखिए, हमारी कम बड़ी से, मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ, इंडिया ऑन ट्रैक टू रिकॉर्ड 100 बिलियन डॉलर 100 बिलियन रिमिटेंसेस सेज वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है 100 अरब। ओ देखिए काई साहब, वो तो है, बदकिस्मती है ये। अच्छा, पाकिस्तान रिमिटेंसेस ड्रॉप एज इलीगल फ्लोज राइज, उसकी वजह ये है। इसका तमगा किसको दें हम? इसका तमगा तो सबको पता है, क्योंकि इमरान के दौर में तो हमारी रिमिटेंसेस बढ़ गई थी। देखें, और हमने बॉन्ड भी फ्लोट किया था पाकिस्तानी पे, गो के इतना नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा आपने तसाब तो शुरू किया। लेकिन बदकिस्मती है, ये कौम मेहनती है, खुदा ना खास्ता हर अदारे में करप्शन होती है और हर अदारे में राज्य के ही ईमानदार हैं कि मासूम है, लेकिन इस माफिया आगे नहीं आने दे रहा। हर जगह अच्छे लोग हैं लेकिन करप्ट लोग ढूंढ के लगाते हैं, क्योंकि इन्होंने कमीशन खानी है। मुझे एक मुल्क की अहम तरीन शख्सियत ने कहा, फलां आदमी ने ना अरबों रुपये कमीशन मांगी, बाद में उसी को आपने हुक्मरान बना दिया। अब मैं पूरे शहर ने तो दस्ताने पहने हैं, कहाँ तलाश करूँ? कल मुझे बुला के कहते हो ये सब चोर हैं, डाकू हैं, फ्रॉडी हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा। चंद दिनों बाद मेरे पे मसलत। अभी ऐसा टाइम चल रहा है जहां दूसरे देश के रेमिटेंसेज घट रहे हैं वही इंडिया के बढ़ रहे हैं।
अगर हम बात अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की करें तो उसे हर साल 30 बिलियन के करीब रेमिटेंसेज आते थे, जो कि घट के 21 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। पाकिस्तान का रुपया घटने ही वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि अगर वो अपना रुपया सही तरीके से पाकिस्तान भेजे तो पता नहीं उनका रुपया उनके परिवार वालों तक सही से पहुंचेगा या नहीं, क्योंकि कहीं उसकी सरकार ही ना वो रुपया रख ले। इसलिए पाकिस्तानी लोग अपना रुपया गलत तरीके से पाकिस्तान में भेज रहे हैं, जो कि सरकारी डेटा में शामिल नहीं हो पाता है। अगर मैं इंडिया के बारे में बताऊं तो आप हैरान होंगे गाइस, उनका फॉरेन रेवेन्यू 89 बिलियन डॉलर से इंक्रीज होकर 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। आज तक किसी भी कंट्री ने इतने बड़े नंबर्स को नहीं छुआ। मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा क्या वजूहत है कि इंडिया डे बाय डे बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है और हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हर इन्वेस्टमेंट उधर ही जा रही है, इंडिया ही जा रही है। क्या फॉरेन रेमिटेंस के बारे में आपको पता होगा कि जो के पाकिस्तानी बाहर के मुल्क काम करते हैं, काम करके इनकम जो पाकिस्तान के अंदर बेचते हैं उसको बोलते हैं फॉरेन रेमिटेंस। फॉरेन रेमिटेंस की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के इस टाइम लास्ट ईयर की 31 बिलियन डॉलर्स था, लेकिन कम होकर अभी 29 बिलियन डॉलर्स हुए। अगर मैं बात करूं पड़ोसी मुल्क की तो वहां पर जो लास्ट ईयर था वो 89 बिलियन डॉलर्स थे, अभी 100 बिलियन के खाकार को टच कर लिया, 100 बिलियन के आंकड़े को टच कर लिया। क्या कहना चाहेंगे आप कि वो डे बाय डे इतना डेवलप होता जा रहा है, वो डे बाय डे इतनी उनकी तरक्की होती जा रही है, लेकिन हमारी पेमेंट आने के दूसरे तरीके हैं, हुंडी के जरिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है, वो डायरेक्ट बैंक के थ्रू पैसे भेजते हैं अपने मुल्क के अंदर, अब ताकि गवर्नमेंट को फायदा हो, हमारे डायरेक्ट पैसे क्यों नहीं आते? देखना जो कल्चर उधर है वो पाकिस्तान में भी वही सेम कल्चर है। मैंने इंडिया जब विजिट किया ना, ओके थे इंडिया, मैं 5-7 साल पहले की बात है, तो वहाँ पर मैंने देखा कि मैंने सर में एक दर्द हुई ना, तो मैंने एक बंदे से ना डिस्प्रिन की गोली मांगी, तो मैंने कहा भाई ये ओरिजिनल वाली है, उन्होंने कहा भाई जर ये पाकिस्तान नहीं है, तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। तो हम लोगों ने अपना म्यार खुद गिराया हुआ है, तो बाहर से जो हमारे हैं भाई जो, इससे एक अच्छी बात ये हुई है कि ये रुपया गल्फ कंट्री से नहीं आया है, ये रुपया ज्यादातर गल्फ कंट्री से नहीं आया है जहां लोग जाकर मजदूरी करते थे, ज्यादातर ये रुपया यूएस और यूके से आया है जहां इंडियन लोग जाके अच्छे अच्छे पोस्ट पे जॉब करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर। भारत के एक और कामयाबी पे आपका क्या कहना है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।